कोटा नगर विकास न्यास की बोर्ड बैठक न्यास के सभागार में संपन्न हुई। बोर्ड बैठक कोटा नगर विकास न्यास के अधीन चल रहे वर्तमान निर्माण कार्यों और भावी योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर, यूआईटी सचिव राजेश जोशी सहित यूआईटी के कई अधिकारी मौजूद रहे। यूआईटी सचिव राजेश जोशी ने कहा कि शहर में चल रहे यूआईटी के निर्माण कार्यों और योजनाओं के बारे में चर्चा की गई है और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर ने कहा कि शहर में चल रहे विकास और निर्माण कार्यों के संबंध में न केवल महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं बल्कि उनको गति देने का भी प्रयास किया जाएगा। हम आपको बता दें कि कोटा शहर में स्मार्ट सिटी और अन्य निर्माण कार्यों को मिलाकर कुल 1600 करोड़ रुपए के निर्माण और विकास कार्य चल रहे हैं। आज की जो ट्रस्ट की बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। लंबे समय से काफ़ी इश्यूज थे हमारे और ट्रस्ट के स्मूथ संचालन के लिए आवश्यक थे, उनको लिए गए हैं। ये ट्रस्ट की 194वीं बैठक है और विशेष करके जो काम चल रहे हैं उनको गति देने में जहाँ कोई कमी आए कार्यों की सैंक्शन देना काफ़ी बड़ा विषय है। सेक्रेटरी साहब आपको डिटेल से बताएंगे लेकिन इसमें काफ़ी बड़े निर्णय लिए गए हैं। तो जो शहर के विकास की जो भी योजना है, जहाँ जहाँ भी दिक्कतें आ रही है, जहाँ जहाँ भी बॉटल नेक्स है, उसके बारे में निर्णय लेकर उसको स्मूथ किया जाए। इसकी आज इस 194वीं बैठक में शहर में चल रहे समस्त विकास कार्यों, इसमें समय समय पर ली गई एंड टेक्निकल सैंक्शन और अब तक पिछली बैठक से और इस बैठक के दरमियान लिए गए समस्त निर्णयों की स्वीकृति और आगामी जो कार्य करना है उनकी प्लानिंग के बारे में।